snooze till I get up. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी बुक है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। सो ये बुक जो है उसमें हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, इस बारे में हम आज इसी चीज पे रिव्यू करने वाले हैं। ये वीडियो उसी टॉपिक पे आपके लिए है। तो देखिए इसमें बुक में क्या क्या दे रखा है हमें। एनसीईआरटी नोट्स विद एचडी पेजेस, टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एंड हॉट सेलेक्शन एग्जाम आरटीयू प्रीवियस ईयर पीएमटीज क्वेश्चन, 6 प्रैक्टिस पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर। इसके साथ साथ ये बुक जो है हमें ऑनलाइन सपोर्ट भी करती है, और साथ ही साथ हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि ये जो बुक है इसमें जो भी हमें एमसीक्यूज मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो हमें एनसीईआरटी के जो टेस्ट बुक है उसकी एक एक लाइन से है, ईच लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब अलग से आपको क्वेश्चन उठा के इसमें से दे दिया गया है। और इसे ना टॉपर की नंबर वन चॉइस कहा जाता है नीट के लिए। और कैसे हम इसमें हम यही बात करेंगे कि कैसे हम लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन के लिए इस बुक का किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो आइए हम देखते हैं इस बुक को इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम आपको गाइज ये बता दें कि कैसे ये ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप जब इसे स्क्रैच करेंगे तो आपको एक कूपन कोड मिलेगा जिसकी हेल्प से आप इसका ऑनलाइन सपोर्ट पा सकते हैं इस एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप बुक का। तो इसमें कई सारी चीजें आपको दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे इनका ईमेल और इनका फोन नंबर, कि कैसे आप इसके हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे रीडर्स रिफ्लेक्शन दे रखा है। यहाँ पे उन टॉपर्स ने बताया है कि ये बुक कैसी है जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है और कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने अपनी बातें यहाँ पे दे रखी है, कमेंट्स कर रखे हैं इस बुक को लेकर। देखिए विजडम वर्ड्स फ्रॉम टॉपर्स लिखा हुआ है, तो ये बता रखा है। यहाँ पे आपको क्लास 11 का कंटेंट मिलता है, जिसमें आपने देखा होगा कि 22 चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, तो इसमें भी आपको 22 चैप्टर्स यहाँ पर मिलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे 3 मॉडल टेस्ट पेपर मिलते हैं, और उसके साथ इसकी आंसर की भी आपको अवेलेबल कराई जाती है। तो यहाँ पे आपको 5 यूनिट मिलती हैं क्लास 11th में, जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, एंड सेकेंड यूनिट आपकी आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड यूनिट आपकी आती है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फोर्थ यूनिट आती है प्लांट फिजियोलॉजी, एंड फिफ्थ यूनिट आपकी आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। बस इतना ही आपके क्लास 11th में आपको मिलता है। देन आप देखते हैं क्लास 12th का कंटेंट। क्लास 12th आपके फिफ्थ यूनिट के बाद 6th यूनिट से स्टार्ट होता है, उसके आगे की रिप्रोडक्शन इसकी फर्स्ट यूनिट होती है। देन इसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आती है नेक्स्ट यूनिट। इसके बाद इसमें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर नेक्स्ट यूनिट आती है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, और इसके बाद इकोलॉजी आती है। इसमें भी उसी तरीके से प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, 3 प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे, एंड इसके साथ मॉडल टेस्ट पेपर नीट का भी आपको मिलता है इसमें। तो इसमें भी आपको 5 यूनिट मिलती हैं। तो पूरे हमारे नीट में हमें 5 यूनिट क्लास 11th की, 5 यूनिट क्लास 12th की हमें प्रिपेयर करनी होती है। तो इस बुक में हम आपको ये बता दें कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही आपको एक अलग डिवाइड करके हुआ दे रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको बॉटनी पूरा एक तरफ, जूलॉजी पूरा एक तरफ, ऐसे नहीं दे रखा है। इसमें क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो एक साइड दे रखे हैं, एंड क्लास 12th के चैप्टर भी एक साइड दे रखे हैं। आइए हम आपको दिखा देते हैं, देखिए कैसे अलग है। यहाँ पे ये रहा आपका, ये क्लास 11th का ही है चैप्टर। इतना पोर्शन है ये हमारे क्लास 11th का दे रखा है। इसके बाद यहाँ से आपका क्लास 12th शुरू होता है, और जैसा कि मैं क्लास 12th में हूँ, तो अभी तो मैं क्लास 12th का चैप्टर पढ़ रही हूँ, चैप्टर 1 मैं पढ़ चुकी हूँ, और अभी तो मैं चैप्टर 12 पढ़ रही हूँ। इसमें आपको सबसे अच्छी बात ये मिलती है कि इसमें हमें हर एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन मिलते हैं, दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ से आपको एमसीक्यू कॉर्नर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी मिलता है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए। देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है, और
फिर यहाँ तक कि आपको देख सकते हैं आप 100 क्वेश्चन मिला है। इसके बाद ये आपको एक प्रोग्रेस चेक भी देते हैं, अगर आपके 90% से आए हैं अबव तो आपको एक्सीलेंट, फिर 90 to 81% आए तो वेरी गुड, 80 to 70% तो गुड, 70 to 61 तो मॉडरेट, और 60% से लेस आते हैं तो नॉट सेटिस्फाई, मतलब आपको अभी रिविजन करने की आवश्यकता है। तो इसके साथ हम आपको दिखा दिए हैं कि इसमें हर एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन हैं। आइए आपको इसके नोट्स दिखाते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चैप्टर दिखाते हैं, क्लास 12th का ये पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यूनिट 1 रिप्रोडक्शन से। एनसीईआरटी नोट्स पहले आपको ये दे रखे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इसके साथ इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है सेकेंड, फिर इन्होंने दूसरी हेडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे दे रखी है, एकदम सेम वैसा ही है यहाँ पे जैसा कि हम यही देखिए यहाँ पे HD पेजेस भी दे रखे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से, और जैसा कि यहाँ पे अभी हमने MCQ कॉर्नर क्वेश्चंस दिखाए थे 100, ये वही है। इसके बाद इसमें क्या दे रखा होता है, हम आपको पूरा डिटेल में एक चैप्टर दिखा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, मतलब एनसीईआरटी में जितनी भी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम होती है हमारी नीट में पूछी जाती है, जो भी मेडिकल एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए यहाँ तक हैं, इसके बाद यहाँ तक 18 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपको 18 क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से दे रखे हैं। इसके साथ AR कॉर्नर, मतलब यहाँ पे अजर्शन और रीजन जो भी हमारे नीट में पूछे जाते हैं अजर्शन रीजन क्वेश्चन, तो वो यहाँ पे दे रखे हैं, लगभग 15 क्वेश्चन है इसमें। इसके साथ थिंकिंग कॉर्नर है यहाँ पे, मतलब कुछ अलग सा थिंक करने वाला यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड दे रखे हैं। उसके बाद एग्जाम आरसीयू है यहाँ पे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि AIPMT में पूछा गया, केरला PMT में, AMU में, तो ये सारा लिखा, देखिए एम्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे आंसर की इन्होंने अवेलेबल करा रखी है, और उसके बाद सबसे अच्छी इस बुक की ये बात है कि इन्होंने हिंट्स और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, आगे जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा जैसे, तो आपको कहीं वीडियो सॉल्यूशन या कहीं से सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर आपको पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे रखा है, चाहे वो हमारे MCQ क्वेश्चन हो, चाहे NCERT एग्जाम्पलर हो, AR कॉर्नर रीजन रिजर्वेशन वाले कॉर्नर हो, या फिर थिंकिंग कॉर्नर या एग्जाम आरसीयू, सभी का इन्होंने एक्सप्लेनेशन पूरा फुल डिटेल में आपको अच्छे से प्रोवाइड कराया हुआ है। तो ये हमारा पूरा फुल 1 चैप्टर खत्म होता है, ये आप देख सकते हैं पूरा ये हमारा एक चैप्टर था जिसमें ये सारी चीजें आपको हमने दिखाई। जैसे कि अभी हमने क्लास 12th के चैप्टर 1 की बात की, वैसे ही हम अब आपको क्लास 11th के चैप्टर्स को दिखाएंगे। चैप्टर 1 तो सभी दिखाते हैं, अब हम इसका चैप्टर 1 आपको नहीं दिखाएंगे, एक इंटरेस्टिंग से चैप्टर दिखाएंगे जो मुझे बहुत पसंद था अपने क्लास 11th में, जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमें फिगर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इस चैप्टर में, हमें फिगर बहुत ही अच्छे से इसमें आने चाहिए, और अगर हम फिगर देख कर पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, सबसे पहले इसके NCERT नोट्स यहाँ पे आपको दिखाए हैं, और NCERT की एक एक लाइन आपको यहाँ पे अच्छे से डिकोड करते हुए अच्छे से आपको बताई गई है, देख सकते हैं आपको। और यहाँ पे प्लस पॉइंट बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट अलग से आपको दे रखा है, जो कि इसमें क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं नीट में, उस इसीलिए आपको यहाँ पे हाईलाइट करते हुए इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे फिगर्स इसके बहुत ही अच्छे से हमें दिखाए गए हैं, और आप अभी इसके HD पेजेस देखेंगे तो आप भी मतलब खुश हो जाएंगे इसके HD पेजेस देख कर। तो ये देखिए टिश्यू सिस्टम दिखा रखे हैं, और पूरा मतलब ये देखिए पूरा क्लासिफिकेशन दिखा रखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरती से इन्होंने फिगर को दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मोनोकोटिलेडोनस स्टेम दिखा रखी है इन्होंने, ये देखिए इसके HD पेजेस कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपने HD पेजेस दे रखे हैं। आप हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या चीज कहाँ पे है, ये देखिए ये आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से HD पेजेस है, ठीक है। ये MCQ कॉर्नर्स आपके वैसे ही 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, मतलब 100 क्वेश्चन में हर एक टॉपिक को इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये देखिए देखिए पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ तक दे रखे हैं।
उसके बाद इनसे इन्होंने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम दे रखी है, फिर उसके बाद एआर कॉर्नर रीजन अजर्शन, ठीक है, थिंकिंग कॉर्नर दे रखा है इसमें भी इन्होंने, उसके बाद एग्जाम आज यू एंड आंसर की, फिर हिंट एंड एक्सप्लेनेशन। हिंट एंड एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है हम लोगों के लिए, वो यहाँ देख रहा है, बस पूरा एक चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है हमारा। तो सबसे अच्छी बात इस बुक की हमने आपको बता दी कि सबसे अच्छी बात यही कि इन्होंने एचडी पेजेस बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर में दे रखे हैं, कई सारे चैप्टर हैं, ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में, बहुत सारे चैप्टर उसमें आपको दे रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि एचडी पेजेस दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, और जिसके यहाँ पे इन्होंने एचडी पेजेस दे रखे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने एचडी पेजेस दे रखे हैं, ये देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हैं, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस है, कैसे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है कि कैसे है, और सारी लेयर्स भी दे रखी हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्रेस्टुला, ठीक है, और उनके फंक्शन भी यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने आपको दिखाया क्लास 11th एंड 12th का, दोनों का आपको हमने दिखाया एक एक चैप्टर, जैसे उसमें दिखाया हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इसमें क्लास 11th में हमने दिखाया आपको एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके साथ हमने आपको एचडी पेजेस भी दिखाए, और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि कैसे है ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो क्लास 11th में जैसा कि हमें इसमें 22 चैप्टर्स दे रखे होते हैं, एंड क्लास 12th में हमें 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं, यूनिट दोनों में बराबर है, 5 यूनिट इसमें भी है, 5 यूनिट इसमें, टोटल 10 यूनिट आपको पढ़नी होती है। और जैसे कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसमें क्लास 11th का ही दे रखा है कि क्लास 12th का ही दे रखा है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें क्लास 11th 12th दोनों दे रखा होता है, तो हमें कहीं अलग से जाके कुछ अलग दो पार्ट में बुक नहीं खरीदनी होती, एक ही बुक से हम क्लास 11th 12th दोनों ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें आपको अभी दिखा रहे हैं, और भी जैसे कि यहाँ पे दे रखा है मॉडल टेस्ट पेपर, तो क्लास 12th का हम आपको अभी दिखा रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा है, 3 मॉडल टेस्ट पेपर आपको यहाँ, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मिलते हैं, और एक मॉडल टेस्ट पेपर आपको भी दिखा रहे हैं, ये रहा हमारा प्रैक्टिस पेपर, देखिए यहाँ पे टाइम लिमिटेशन भी दे रखी है, और देखिए 50 मिनट, और टोटल मार्क्स आपको 200 मिनट मिले हैं, और ये आपको थोड़ा सा ऑल द बेस्ट करके कुछ एनसीईआरटी जैसा कुछ दे रहे हैं आपको, देखिए क्या लिखा है, प्रैक्टिस पेपर इज एन एप टूल फॉर स्कोरिंग मोर इन फाइनल एग्जाम। सही, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कह रखी है कि प्रैक्टिस पेपर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब आप किसी एग्जाम को देना चाहते हैं, आपने कभी उसका पेपर ही नहीं देखा कि कैसा पेपर आता है, तो आप उसे दे भी नहीं पाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे, अगर आपने उसका प्रैक्टिस पेपर दे रखा है तो आपको पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप इसी बुक को ही मैं प्रिफर करती हूँ कि आप यही पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए बस, और कुछ नहीं पढ़िए, मैं ये नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि आप कोई बुक मत पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद होने के बाद आप रिवीजन के लिए इस बुक पे आइए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके नोट्स पढ़िए, और लास्ट में रिवीजन के लिए भी ये बुक बहुत ही अच्छी होती है, आपके खुद के नोट्स हैं आप वो नोट्स पढ़िए, इसके क्वेश्चन लगाइए, और बाद में आप कई सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, और आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही अच्छी बात होगी, आप हर संडे क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में, मैं ये नहीं कहती कि बायो के ही सॉल्व करिए, आप पीसीबी तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से अगर सब में मेंटेन करके बैलेंस आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से आप उसमें स्कोर भी आप कर पाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा प्रैक्टिस पेपर कैसा दे रखा है इन्होंने, वन देखो, हम आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए, तो देखते हैं इसमें कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक चैप्टर से। ये देखिए हमारा जेनेटिक्स से क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन दे रखे थे, 4 मार्क्स का एक वन क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन टोटल मार्क्स हो गए, एंड 50 मिनट में आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि 50 मिनट पहली बार में तो आपका 50 मिनट होता है या नहीं होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन किसी किसी को ज़्यादा भी लग सकता है, किसी किसी को कम भी लग सकता है, लेकिन आपको ये टाइम जो है मेंटेन करने के बाद, मतलब आपको इसे फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जैसे 50 मिनट दे रखा है आप धीरे धीरे समय को, जैसे आप पहली बार में 40 करते हो, 40 मिनट में
सॉल्व करते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको समय को कम करते रहना होगा, 30 मिनट में सॉल्व कर लो, फिर 20 मिनट में, तो इससे आपकी ना बहुत ही अच्छे से जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, दोबारा से रिविजन कर लोगे और OMR को फिल भी कर पाओगे नीट के एग्जाम में, जो कि बहुत ही अच्छे से आपको फिल करना होता है कि क्वेश्चन को मैच करते हुए। तो ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 था, फिर प्रैक्टिस पेपर 2 भी इसी तरह दे रखा है हमें, और फिर इसमें प्रैक्टिस पेपर 3 दे रखा है। तो ऐसे ही सब में 50-50 क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। इसके बाद जो है नीट का एक मॉडल टेस्ट पेपर इन्होंने दे रखा है, जिसे आपको 90 मिनट में, और 360 का है ये मॉडल टेस्ट पेपर, आपको दे रखा है 90 मिनट में, 360 मार्क्स का है पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। सॉल्व कर लेंगे तो उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा फिजिक्स में, कि फिजिक्स में आप बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को टाइम दे सकेंगे अच्छे से, जितनी जल्दी आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री होगी। फिर ये क्लास 11 का प्रैक्टिस पेपर 1 है, इसी तरह इसमें भी आपको प्रैक्टिस पेपर 3 प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं। ये रहा हमारा प्रैक्टिस पेपर 1, इसके बाद प्रैक्टिस पेपर 2, प्रैक्टिस पेपर 3, ये हमारी आंसर की दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं क्लास 11 12th के प्रैक्टिस पेपर्स और मॉडल पेपर, और इसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको दिखा दी है कि इसमें क्या क्या दे रखा है। HD पेजेस इसके हम दिखा चुके हैं आपको, ये देख सकते हैं आप पूरी बुक को हम दिखा रहे हैं आपको, कुछ बीच बीच के चैप्टर्स खोल के देखिए, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से HD पेजेस दे रखे हैं, ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, कैसे वेन्स ने उसको कवर कर रखा है एल्वोलाई को, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पूरे चैप्टर, हम आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो में और यूट्यूब वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको इन सबको दिखाएंगे भी कभी कभी, और इसके क्वेश्चंस भी आपको उस पर डाल देंगे, आप देख सकेंगे तब। तो ये हमारा दे रखा है, तो इसके हमने सिर्फ 2 चैप्टर अभी तक पढ़ रखे हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, और NCERT पहले आप पढ़ें, उसके बाद इसे पढ़ें तो तभी आपके लिए अच्छा होगा। पहले NCERT देन इस बुक को अब हम आपको प्रेफर करते हैं कि ये बुक तभी आप पढ़ें। तो थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।